मेरा पेज मैडम ले गए। चलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम छंद भाग दो के अंतर्गत छंद के भेद तथा दोहा एवं सोठा छंद पर चर्चा करेंगे। छंद के भेद, छंद तीन प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है बच्चों? जिन छंदों की रचना मात्राओं की संख्या के अनुसार होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों की संख्या के अनुसार होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, मुक्त होना, ना तो मात्रा के और ना ही वर्णों के नियम में बंधे होते हैं, उन्हें हम मुक्तक छंद कहते हैं। गण, तीन लघु या गुरु वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक गण संख्या 8 है। इसके हेतु निम्नलिखित सूत्र हैं, यमाता राज भानस लगम। प्यारे बच्चों, हम गण के स्वरूप और लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। तो गण या से बना, यगन यमाता आदि लघु, मतलब इसका प्रारंभ होता है लघु से। मगन से बना मतारा और इसमें सभी गुरु होते हैं। प्यारे बच्चों, तगन से बना ताराज अंत लघु है और बाकी सभी मात्राएं गुरु हैं। रगन, रगन से प्यारे बच्चों बना राजभा मध्य जो मात्रा है वो लघु की है, बाकी सभी गुरु की हैं। जगन, जगन से बना बच्चों जभान, इसमें मध्य गुरु हैं बाकी लघु हैं। भगन, भगन से बना बच्चों भानस और इसमें देखो प्रथम भा पर आदि मतलब शुरुआत गुरु से हुई है, बाकी सभी मात्राएं लघु हैं। आगे नगन, नगन से बना नसल, इसमें सभी मात्राएं लघु की हैं। प्यारे बच्चों, अंतिम बना सगन और सगन से जो स्वरूप बना सलगा, अंत गुरु है, बाकी सभी लघु मात्राएं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे यमाता राज भानस लगा के सूत्र से बना हुआ ये अलग अलग 8 गण। अब हम जो है दोहा छंद के बारे में चर्चा करेंगे और ये दोहा है बिहारी जी का, कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, तिये लिलार बेंदी दिए अग्नित बढ़त उदोत। प्यारे बच्चों, इस दोहे पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम दोहे की परिभाषा ध्यान से देखें। दोहा 4 चरणों का एक मात्रिक छंद है, मतलब यहां पर हम मात्रा की गिनती करेंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। बच्चों, यहां समझने वाली बात है, पहले 1, तीसरे 3, पहले और तीसरे अर्थात क्या बन गया 13। तो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आने जरूरी है। अब उदाहरण देखते हैं और मात्राएं लगाकर आपको समझाते हैं। यहां देखो,
कहत सबे बेंदी दिए अंक दस गुनो होत। ये वही दोहा है जो मैंने आपको पहले पढ़कर समझाया था, तिये लिलार बेंदी दिए अग्नित बढ़त उदोत। प्यारे बच्चों, का पर एक देखो, हा पर एक, ता पर एक, सा पर एक, और बे पर दो, बेंदी पर दो दो, फिर दिए पर एक और ए पर दो, टोटल बन गई 13 मात्राएं। मतलब पहला चरण 13 मात्राएं। अब तीसरा चरण, ये प्रथम चरण हो गया, ये द्वितीय चरण हो गया। जो रेड वाले हैं दूसरे और चौथे चरण है बच्चों, और जो नीले रंग के हैं ये प्रथम और तृतीय चरण। तो इसमें देखें, प्रथम और तृतीय चरण में देखो 13 मात्राएं। तिये एक, या एक, ली एक, ला एक, रा एक, बेंदी दो मात्राएं, दी दो, दिए एक, ये एक। तो कहने का मतलब यहां पर कुल मात्राएं 13 हो गई, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई। अंक दस गुनो होत दूसरा चरण, अग्नित बढ़त उदोत चौथा चरण। यहां पर भी देखो, अंक दो, एक, 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 फिर जहां पर दीर्घ है वहां दो मात्राएं लग रही हैं। मैंने आपको पिछले पाठ में मात्राओं के बारे में जानकारी दिया था कि जहां पर लघु वर्ण या स्वर होंगे वहां पर लघु स्वर होंगे वहां पर एक मात्रा। अब यहां देखो लघु है एक है, यहां दीर्घ है दो मात्रा। तो प्यारे बच्चों, कुल मात्राएं कितनी हो गई 11, 13 और 11 मिलाकर कितनी बन गई 24, मतलब पहली पंक्ति की 24। अब चौथा चरण देखो, अग्नित बढ़त उदोत, चारों में अगणित में चार मात्राएं, बा रा तू पर एक एक मात्राएं, ऊ ओ ता पर एक मात्राएं। तो ये भी क्या हो गई बच्चों 11 मात्राएं, 13 प्लस 11 क्या होगी 24 मात्राएं। तो ये दोहा छंद है। अब हम स्पष्टीकरण देते हैं यहां, पहला तीसरा चरण में कितनी कितनी मात्राएं 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। आ देखो दूसरा और चौथा चरण, दूसरा चौथा 11 11, तो दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हैं, दोनों चरणों में 24 24 मात्राएं हो गई। देखो यहां 24 24, कुल कितनी मात्राएं हो गई 48 मात्राएं हैं। प्रत्येक सम चरणों के अंत में गुरु और लघु हैं, अतः यहां पर क्या है दोहा छंद है। तो प्यारे बच्चों, दोहा छंद आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझाता हूं। कनक कनक ते 100 गुनी मां दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। देखो प्यारे बच्चों, कनक पर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 2, कुल बन गई 13 मात्राएं। मादकता गुरु, इसलिए यहां पर 2 मात्रा, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2 मात्राएं और फिर 1 मात्राएं। कुल कितनी मात्राएं बन गई, कुल बन गई 11। तो पहले और तीसरे में, पहले और यहां आप तीसरा हम देखें, या खाए बौराए जग, 2 4 6 8 10 3 13 ऐसे लगा लो। इसमें लगभग सभी गुरु मात्राएं हैं और केवल जा या ज ग या ज ग पर कौन सी हैं लघु मात्राएं, कुल बन गई 13 मात्राएं। तो पहला तीसरा 13 13, दूसरा चौथा 11 11। बच्चे देखो यहां पर ऐसे मात्राएं लगा के देखोगे बिल्कुल सही है ना, तो इसलिए यहां पर 11 बन गई कुल और यहां पर कुल 11 बन गई। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये उदाहरण भी क्या है, दोहा का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं बच्चों, दोहा का उल्टा सोठा छंद होता है। दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, सोठा, इस पर चर्चा करते हैं।
और इसकी परिभाषा देखते हैं क्या वो कह रही है परिभाषा। सोठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता। अब दोहा छंद अभी हमने जो उदाहरण ली हैं उनको उल्टा देना और कुछ नहीं करना। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे में 11-11, पहले और तीसरे में 11-11, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण पुराना ही उदाहरण हमने लिया है और देखो कुछ नहीं किया है। कहत सबे बेंदी दिए, पहले यहां था ना, अब इसको उल्ट कर दिया, इसको पीछे कर दिया, अंक 10 गुना हो इसको आगे कर दिया। तो प्यारे बच्चों हमने उदाहरण को क्या कर दिया, उल्ट कर दिया। तो सोठा दोहे का क्या हो गया, उल्ट हो गया। अब यहां देखो ना, पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं आ गई, 11-11। देखो दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं आ गई, 13-13। उल्ट हो गया ना, मात्राएं वही लगी हैं, हमारे उदाहरण भी जो है वो वही है, पुराना ही है, इसलिए आपको समझ आ गया कि कुछ नहीं किया गया, इस दोहे को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो प्यारे बच्चों यहां पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। कुल कितनी मात्राएं हो गई, देखो 13-13 26, 11-2 22, 26-22 48। तो कुल मात्राएं कितनी हो गई, 48। अतः ये क्या है, सोठा छंद है। तो प्यारे बच्चों हमने आज दोहा सोठा छंद पर चर्चा की है और आप सभी का यहीं पर मैं धन्यवाद करता हूं।